सल्थूर सल्थूर सही बुखारी हदीस नंबर इक्कीस हजूर अक्रम सल वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स में ये तीन बातें होंगी वो ईमान का मजा पा लेगा एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और उसका रसूल इनके मां से ज्यादा अजीज हों और दूसरे ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कुफ्र से निजात दी हो फिर दोबारा कुफ्र कुफ्रखतीयार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसा आग में गिर जाने को बुरा जानता है सही बुखारी हदीस नंबर 22 हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसल्लम ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में और दोजखी दोजख में दाखिल हो जाएंगे अल्लाह पाक फरमाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको भी दोजख से निकाल लो तब ऐसे लोग दोजख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह सियाह हो चुके होंगे फिर ज़िंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे उस वक्त वो दाने की तरह उगाएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने उगाते हैं क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पेच दर पेच निकलता है सही बुखारी हदीस नंबर तेईस हजूर अक्रम सल वसलम ने फरमाया मैं एक वक्त सो रहा था मैंने ख़्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का उससे नीचा है फिर मेरे सामने उमर बिन खत्ताब लाए गए उनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था साहबा रज अल्ला तौने पूछा कि या रसूल अल्लाह इसकी क्या ताबीर है आपने फरमाया कि इससे दीन मुराद है सही बुखारी हदीस नंबर चौबीस एक मरतबा रसूल करीम वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो आपने उस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर रहने दो क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है सही बुखारी हदीस नंबर 25 रसूल सल्हु वसल्लम ने फरमाया मुझे अल्लाह की तरफ़ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं उस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और ये कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और नमाज अदा करने लगें और ज़क़ात दें जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जानो माल को महफूज कर लेंगे सिवाय इस्लाम के हक़ के रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है सही बुखारी हदीस नंबर 26 रसूल अला सला वसलम से दरियाफ़्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना कहा गया इसके बाद कौन सा आपने फ़रमाया कि अल्लाह की राह में जहाद करना कहा गया फिर क्या है आपने फरमाया हज मबरूर। सही बुखारी हदीस नंबर सत्ताईस रसूल ने चंद लोगों को कुछ अतिया दिया और साथ वहाँ मौजूद थे वो कहते हैं कि रसूल्ला सला वसम ने उनमें से एक शख्स को कुछ न दिया हालांकि वो उनमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था मैंने कहा हुजूर, आपने फला को कुछ न दिया मैं उसे मोमिन गुमान करता हूँ आपने फरमाया मोमिन या मुसलमान मैं थोड़ी देर चुप रह कर फिर पहली बात दोहराने लगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोबारा वही जवाब दिया फिर आपने फ़रमाया कि साद बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज़्यादा अजीज़ है फिर भी मैं उसे नज़रअंदाज़ करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल देता हूँ कि वो अपनी कमज़ोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह उसे आग में ओंधा डाल दे सही बुखारी हदीस नंबर 28 एक आदमी ने सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम से पूछा कौन सा इस्लाम बेहतर है आप वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे खा उसको तू जानता हो या न जानता हो सही बुखारी हदीस नंबर 29 आ हज़रत वसल्लम ने फरमाया मुझे दो जख्म दिखलाई गई तो उसमें ज्यादातर औरतें थीं जो कुफ़्र करती हैं कहा गया हुजूर क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खावंद की ना शुक्री करती हैं और एहसान की ना शुक्री करती हैं अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी सही बुखारी हदीस नंबर तीस आ हज़रत सल्लास फरमाते थे जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं, तो कातिल और मकतूल दोनों दो जखी हैं अर्ज किया गया रसुल्ला तो दो जखी होना चाहिए मकतूल क्यों फरमाया वो भी अपने साथी को मार डालने की हिरस रखता था मौका पाता तो वो उसे जरूर कत्ल कर देता दिल के अजम समीम पर वो दो जखी हुआ watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to